कोरोना वायरस ने दुनिया को कैद कर दिया है। ये ज्ञान विज्ञान, गरीब संपन्न, कमजोर ताकतवर, हर किसी को चुनौती दे रहा है। ये ना तो राष्ट्र की सीमाओं में बंधा है, न ही ये कोई क्षेत्र देखता है और न ही कोई मौसम। ये वायरस इंसान को मारने पर उसे समाप्त करने की जिद उठाकर बैठा है और इसलिए सभी लोगों को, पूरी मानव जाति को इस वायरस के खत्म करने के लिए एकजुट होकर संकल्प लेना ही होगा। कुछ लोगों को लगता है कि वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो ऐसा करके वो मानो जैसे दूसरों की मदद कर रहे हैं। अरे भाई, ये भ्रम पालना सही नहीं है। ये लॉकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है। आपको अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है, लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है। साथियों, मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता, नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे। ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुशफहमी थी, आज ये सब पछता रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, आरोग्यम परम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है। दुनिया में सभी सुख का साधन स्वास्थ्य ही है। ऐसे में नियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं।